वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं पहुंच चुकी हूं बंजारा मार्केट, और बंजारा मार्केट चलते हैं, देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। तो मास्क की वजह से शायद आपको आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी। आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने पहले इतनी पार्किंग में इतनी भीड़ नहीं देखी है जैसे कि अब हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या नया कुछ आया है दिवाली के लिए। तो मिलते हैं फिर मार्केट के अंदर। तो गाइज, आप देख सकते हो मैं मार्केट में आ गई हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर सामान डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में दिख रहा है। काफ़ी न्यू कलेक्शन ये लोग लेकर आए हैं इस बार दिवाली के पर्पस से। तो मन तो गाइज ऐसा कर रहा था कि मतलब हर एक सामान ले जाऊं मैं अपने घर अपने डेकोरेशन करने के लिए, बट क्या करें। और ये देखो आप लोग, ये थोड़ा सा न्यू आया है, कैंडल वगैरह रखने के लिए है। ये दो कलर्स में था यहाँ पर, रेड एंड आई थिंक येलो, डार्क येलो है ये। और गाइज इतनी भीड़ मैंने बंजारा मार्केट में आज से पहले कभी नहीं देखी है। और मैं आपको बता दूं कि संडे वाले दिन अवॉइड करना चाहिए था मुझे, बट मैं संडे को ही पहुंची थी और काफ़ी रश था। और सामान जो कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन इनके पास, आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन और न्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा आया हुआ था इनके पास में। और रेट की बात मैं करूं तो रेट तो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल कर रखे थे इस वक्त इन्होंने। मतलब मैं पहले भी बंजारा का जो वीडियो है मैंने आपसे शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। तो रेट तो इन्होंने मतलब डबल ट्रिपल, जो सामान मैं लेके गई थी उसका तो हाई फाई कर रखा है एकदम। और आप जितनी हो सके बार्गेनिंग कर सकते हो तो बार्गेनिंग कर लेना गाइज। और ये आप देख सकते हो कैंडल रखने के लिए पूरा सेट, दिवाली के पर्पज़ से काफ़ी सामान आया हुआ था यहाँ पर। जो कि ये जो अभी आपने देख रहे हो ये 1200 से 1500 की रेंज में था, और ये लैम्प थी जो छोटी वाली ये इन्होंने मुझे 800 रुपये बताई थी। और ये जो सारा आइटम रखा हुआ है वुडन वर्क है उस साइड में, और यहाँ पर ये लैम्प है पूरी, तो 900 और 800 की रेंज में दोनों मिक्स रेंज रखी हुई थी इन्होंने, तो काफ़ी सुंदर सुंदर थी। और ये आप देख सकते हो प्लांटर, और प्लांटर भी बहुत सुंदर सुंदर इस वक्त आए हुए थे। मतलब मैं हर एक सामान की तारीफ़ करूंगी, और अच्छी खासी फिनिशिंग के साथ आया हुआ था मार्केट में इस वक्त। और ये वाला जो आप देख सकते हो बोतल की शेप में जो प्लांटर है, ये छोटी सी बच्ची एक स्टॉल लगा के बैठी हुई थी तो उसने ये इसका रेट बताया था 250 रुपये पर पीस। तो आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कर सकते हो यहाँ पर, और बार्गेनिंग मस्ट है गाइज। और ये आप देख सकते हो क्यूट सा हैंड वॉश करने के लिए है, बहुत ही क्यूट था और यूनिक था ये। इनके पास ही मुझे दिखा और कहीं नहीं दिखा। और ये आप देख सकते हो बिग मग जो कि 150 रेंज इन्होंने बताई थी मुझे। और क्रॉकरी में भी गाइज बहुत ही सुंदर सुंदर क्रॉकरी थी, और काफ़ी न्यू कप की रेंज भी बहुत अच्छी आई हुई थी। ये आप देख सकते हो, ये तो पहले भी मैंने आपसे शेयर किया है अपनी वीडियो में बंजारा की, तो ये 300 इन्होंने मुझे बताया था। और ये प्लेट आप देख सकते हो, ये तो काफ़ी पुरानी थी तो प्लेट के भी रेट इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई करके बताए हुए थे। और ये आप देख सकते हो कि बुद्धा के सारे शेप थे स्टैचूज़, तो ये वाइट वाला जो सामने रखा हुआ है हाथ की शेप में बुद्धा जी बने हुए हैं, तो ये इन्होंने मुझे 1200 रुपीज़ बताया था। और सारी रेंज थी इनके पास, अलग अलग रेंज थी इनके पास, तो ये मैंने जब पूछा था उनसे तो ये 1200 रुपये में बताया था। और ये सारे रनर हैं, ये आप देख सकते हो ये राउंड में था जो कि इन्होंने 700 बताया था। और रनर की स्टॉक भी बहुत अच्छा था इनके पास में, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आया था। तो और ये छोटू वाला जो था ये 100 रुपीज़ ईच बताया था इन्होंने, 200 रुपये जोड़े बता रहे थे और ये 100 रुपीज़ में था। और ब्राउन वाले जो छोटे छोटे हैं ये 200 रुपीज़ बताया था। और यहीं ये जो गोल्डन ट्रे है सिंगल में इन्होंने मुझे 500 रुपीज़ बताया था। और ये जो पेयर है ये 1200 इन्होंने मुझे बताया था। और ये वाइट वाली सिंगल जो है ये 700 बताया था इन्होंने मुझे। तो सारा न्यू स्टफ़ था इनके पास में, आप देख सकते हो।
और काफ़ी मजबूत ट्रे थी ये। और ये आप देख सकते हो पूफ्स की नई वैरायटी थी जो कि कलरफुल थी, काफ़ी बड़े में पूफ्स था। वैसे आप देख सकते हो कि जो नीचे मतलब स्टैंड के साथ आया हुआ था पहले, बट ये स्टैंड के साथ में नहीं है और काफ़ी अच्छा और हैवी रेंज में था। तो ये इन्होंने मुझे बताया था 2500 रुपये में पेयर। और यहाँ आप देख सकते हो छोटे छोटे से पॉट रखे हुए हैं, छोटे छोटे ये बर्नी, जिसमें कि आप अचार और नमक और कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हो। और ये छोटी छोटी ट्रेस थी, कोस्टर्स थे, कोस्टर्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, कलरफुल थे, बहुत ही क्यूट क्यूट से सामान आए थे इस वक्त। और ये मुझे इन्होंने हैंड वॉश के जो था ये 700 बताया था इन्होंने मुझे, और ये कैंडल रैक जो था ये 900 में था। ये न्यू कलेक्शन था इनके पास में, जो कि ऊपर ग्लास था राउंड में, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 900 इन्होंने मुझे बताया था। और ये आप झूला देख सकते हो, ये इन्होंने मुझे 1500 में बताया था, ये भी कुछ यूनिक सा था। और ये कप की रेंज भी गाइज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई हुई थी इस वक्त, कलरफुल। और ये सामने आप देख सकते हो ये 100 रुपीज़ ईच बता रहे थे, तो कोई 80 रुपीज़ ईच बताया था इन्होंने मुझे, बट ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 100 रुपीज़ इन्होंने मुझे बताया था, जो कि इन्होंने बोला कि मैं 60 रुपीज़ में आपको दे दूँगी। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ फुल बार्गनिंग क्यों चलती है। और ये बर्नी की जो एक मैंने बताया था आपको पहले दिखाया था, छोटी सी बच्ची एक स्टॉल लगा के बैठी हुई थी, तो उसके पास ही ये बर्नी का सेट थे, क्यूट क्यूट सी थी। और बाउल भी गाइस जो आप देख रहे हो ये ब्लू कलर के बाउल की शेप भी कुछ चेंज होकर आई थी, वो थोड़े बड़े साइज में था। ये आप देख सकते हो कोस्टर्स जो मैंने आपको दिखाए थे पहले क्यूट क्यूट से, ये 50 रुपीज़ ईच दे रहे थे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मतलब यहाँ से सामान लेते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना आप लोग, कि कुछ भी क्रैक ना हो। और ये बातों बातों में भी आपको फेडेड सामान भी दे देते हैं, जैसे कि आप ये कढ़ाई देख सकते हो ये 250 रुपये इन्होंने मुझे बताई थी, छोटी सी क्यूट सी कढ़ाई है ये, तो ये आप सर्विंग के लिए भी, जैसे आप सब्जी बनाई है कुछ भी सब्जी वगैरह है, ये डाइनिंग पे आप सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये बिग साइज़ में था फ्लावर पॉट, जो कि 1200 रुपये बता रहे थे। और ये रेड वाला इन्होंने मुझे बताया था 1800 रुपये की, एक रेंज इनके नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो मन में आ रहा है वो बता रहे हैं इस वक्त ये रेंज, क्योंकि दिवाली का कलेक्शन था और काफ़ी भीड़ थी और सबको यही पता था कि बंजारा मार्केट बंद होने जा रहा है गाइस, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, तो मिला जुला जवाब मुझे इन लोगों से मिला था कि कोई कह रहा था कि जो मतलब पहले जो पटरी लगाते हैं क्रॉकरी का सामान वो तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, बट अंदर का मार्केट वो 5 तारीख को टूट जाएगा। तो ये बहुत सैड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा दुख है, हम काफ़ी वीडियो बनाते थे इस चीज़ पर, तो काफ़ी डेकोरेशन सामान जो कि सस्ते में मिल जाता था, बट क्या करें अब देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। और ये आप देख सकते हो फ़ोटो फ्रेम, जो कि 700 रुपीज़ इन्होंने मुझे बताया था कि, जबकि ईज़िली 100 रुपीज़ ईच में ये मिल जाता है। आप देख सकते हो कि ये चार्ज इन्होंने इस वक्त जो बता रखे हैं ना सामान के, बहुत ज़्यादा हाई फाई कर रखे थे सामान के, रेंज इन्होंने बहुत बताई हुई थी। और ये आप देख सकते हो झूला, मैंने आपको बताया था ना 1500 रुपये की रेंज इन्होंने मुझे ये बताई हुई थी, तो ये दिवाली पे आप दिए रख के काफ़ी डेकोरेट करके रख सकते हो। और ये मिरर का कलेक्शन, और ये आप लैम्प देख सकते हो, ये हैंगिंग लैम्प भी थी इनके पास में, आप देख सकते हो कि पूरा कवर्ड था पॉलीथीन से, इन्होंने कवर करके रखा हुआ था क्योंकि नई रेंज में थी। और आप देख सकते हो दिया दिवाली पे, तो आप जो कोई कलर बोलोगे ना वो कलर करके ये दे रही थी, तो काफ़ी लोग अपने अकॉर्डिंग कलर बता रहे थे, तो वो कर भी कर करके दे रही थी यहाँ पर। और ये पॉट हैं और बुद्धा जी के शेप में शिव जी रखे हुए हैं वाइट कलर के, जो कि 700 इन्होंने मुझे बताया था।
और ये वाला जो गाइस कलेक्शन मैंने पूछा था जो कि काफ़ी पुराना कलेक्शन था पॉट का ब्लैक एंड वाइट, तो ये इन्होंने मुझे 900 में बताया था सिंगल, और ये छोटू वाला इन्होंने मुझे बताया था 500 रुपीज़ में। और गाइस ये वाला कलेक्शन ना गाइस ये बहुत सुंदर कलेक्शन था, ये हार्ड मतलब सॉलिड में था, ये काफ़ी शेड्स इनके पास थे, ये सॉलिड था पूरा, नीचे पत्थर लगा हुआ है स्टोन, और ये 2500 से 3000 की रेंज में था, कोई 2000 की रेंज में था, तो मिला जुला कलेक्शन था इनके पास में। और मैंने यहाँ से एक चीज़ परचेज़ भी किया है जो कि 1800 रुपये में इन्होंने मुझे दिया है। गाइस आप ये आप यहाँ नहीं कह सकते इस वक्त कि मतलब कोई महंगा ले जाता है और कोई कम पैसों में ले जाता है। और ये कैबिनेट नॉब्स हैं जो कि 50 रुपीज़ ईच दे रहे थे, काफ़ी सॉलिड में था ये, और पेच भी लगा के दे रहे थे वो, और ये हैंगिंग में है, ये 200 रुपीज़ बताया था, और ये एक स्टॉल लगी हुई थी ये इन्होंने बताया था, पूरा ग्लास वर्क है जो कि काफ़ी हैवी रेंज इन्होंने मुझे बताई हुई थी। ये गोल्डन में आप देख सकते हो सारा ग्लास वर्क था इनके पास में, ये कोई 700 500 मिला जुला इनके पास रेंज था ये, और ये तो आप देख सकते हो कि सारा वुडन में था जो कि पुराना स्टॉक था इनके पास में ये वाला, तो मिला जुला कलेक्शन था। न्यू कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त आया हुआ था इस वक्त, और पुराना कलेक्शन भी था। और गाइस बाहर की साइड में ना सारा क्रॉकरी लगाया हुआ था, और अंदर के साइड में जाकर पूरा आपके डेकोरेशन का सामान था। तो ये वाला कलेक्शन भी आपने देखा होगा, ये भी पुराना कलेक्शन जो मैं आपको पहली पुरानी अपनी मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपसे बंजारा की, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था ये। तो इसका रेंज भी जो सिंगल सिंगल बता रहे थे 2800 1500 इस रेंज में बताया था इन्होंने मुझे। और गाइज ये मिरर इन्होंने मुझे 3500 रुपये में बताया था। ये क्रॉकरी का सेक्शन आया हुआ है इस वक्त, ये आप देख सकते हो ये पूरा पुराना और न्यू कलेक्शन दोनों मिक्स रखा हुआ था इनके पास में। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज एक लाइक कीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आऊँगी मैं। तो इसके साथ मैं लेती हूँ विदा, तो अपना अपना ख्याल रखिए आप लोग, और फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए।